बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिया। आज मैं बनाऊंगी बीफ बादामी कोरमा। उसके लिए मैंने लिया है बीफ 2 किलो, प्याज मैंने लिए 3 पाव, इसको फ्राई कर लिए, दही मैंने लिया है 1 प्याली, बादाम मैंने पीस लिए हैं 3 चम्मच, खशखश मैंने लिए 2 चम्मच, लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है 2 चम्मच, गरम मसाला मैंने लिया है 8-10 काली मिर्ची, 3 दालचीनी के टुकड़े, 1 बड़ी इलायची और आधी चम्मच जीरा, पिसावा धनिया मैंने लिया 3 चम्मच, हल्दी मैंने लिए 1 चम्मच, पिसी हुई मिर्ची मैंने 2 चम्मच लिए, कोरमा मसाला मैंने 3 चम्मच लिए। पतीली में मैंने तेल डाल दिया है, 1 कप मैंने तेल डाला है। तेल गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें गोल डाल दूंगी। गोश्त को मैं इतनी देर पकाऊंगी, ये गोल गल जाएगा, बाकी फिर मसाले डालूंगी इसमें। गोश्त में मैंने 1.5 गिलास पानी डाला है, ये गल जाएगा, बाकी मसाले फिर इसमें डालूंगी। गोश्त गल गया है, अब मैं इसमें गरम मसाला डालूंगी। तेज पत्ता 3 लिए मैंने, लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची 3 लिए, बड़ी इलायची 1 लिए, जावित्री मैंने 1 टुकड़ा लिया, इन सबको मैंने कूट लिया। अभी ये बादाम के पेस्ट में डाल दूंगी, दही को मैंने फेंट लिया है। अपने मसाले इसमें डाल दूंगी, मसाले जो डाले थे अब ये भी मैं इसमें डाल दूंगी। प्याज को मैंने पीस लिया है,
ये भी डाल दूंगी प्याज। बीफ बदानी कोरमा तैयार है, अब मैं इसको निकाल लूंगी। बादाम डालूंगी इसमें, थोड़े अदरक डालूंगी। मैंने इसको निकाल लिया है, अब मैं इसमें बादाम डालूंगी। और अदरक डालूंगी। बीफ बादामी कोरमा तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल किचन इन हैदराबाद को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।